इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने किया, और हम जानते हैं कि ऐसे ही कुछ दृश्य हमें G20 के मंच पर भी नजर आए थे। उससे पहले जब जॉर्जिया मेलोनी भारत आई मार्च 2023 में, तब भी नजर आए थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत करती हुई इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। क्योंकि इटली G7 का अध्यक्ष देश है और जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में शामिल होने के लिए अपुलिया इटली पहुंचे। मीटिंग विद मैक्रों, पीएम मोदी हेल्ड बायलैटरल टॉक्स विद यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक एंड यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G7 समिट। मोदी इज अटेंडिंग द समिट एज एन आउटरीच कंट्री, फोकसिंग ऑन सिग्निफिकेंट ग्लोबल इश्यूज इम्पैक्टिंग बोथ द ग्लोबल साउथ एंड द वर्ल्ड एट लार्ज। कर रही है EU लीडर को और उनको नमस्ते जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दैट टेल्स वन थिंग कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है दैट इज गोइंग ग्लोबल। स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ, ये लोग G7 का हिस्सा है, लेकिन भारत को फिर भी क्योंकि एक इंतहाई इम्पोर्टेंट कंट्री है, भारत में कई दूसरी चीजें जिसमें G7 को छोड़ दीजिए, अगर जो G20 SCO की मीटिंग्स और कई दूसरी चीजें हो रही हैं, तो इस वजह से भारत की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, जिस वजह से भारत के प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया जाता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे आमंत्रण मिला है G7 में शामिल होने का। हम जानते हैं कि जापान G7 का ही सदस्य देश है, लेकिन सहयोगी देश के तौर पर एशिया से भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे यहां आमंत्रित किया गया है। और रिपोर्ट्स व्हेन द टू लीडर्स मीट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ देम आल्सो डिस्कसिंग द फॉइल्ड मर्डर प्लॉट अगेंस्ट खालिस्तानी सेपरेटिस्ट एंड अ ड्यूअल US कैनेडियन नेशनल गुरपतवंत सिंह पन्नू, which, according to America's National Security Advisor, is a continuing topic of dialogue between the United States and India. जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत जो है जॉर्जिया मेलोनी ने G7 में किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात ज़ेलेंस्की से भी हुई, और उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात UK के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी हुई। और दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे कल से ही जैसे मेलोनी जी सबका हाथ जोड़ के स्वागत कर रही है, उसके फोटेजेस तो धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि नमस्कार करना ये भारतीय संस्कृति का द्योतक है। इससे पहले वेस्टर्न कल्चर में किसी भी समिट में नमस्ते करना ऐसा देखा नहीं गया था। जनरली भारत में तो डिप्लोमेट्स और भारत में जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते वो तो नमस्ते करके स्वागत करते हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में जनरली हाथ मिला के स्वागत किया जाता है। तो वो क्लिप्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और लोग कह रहे हैं कि भाई मेलोनी भी थोड़ा थोड़ा भारतीय संस्कृति को जानती हैं। और दोस्तों, मेरा तो यही ओपिनियन है, किसी भी संस्कृति में जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो एक ना एक दिन दुनिया के सामने आने वाली होती हैं। वो कहते हैं ना, बुराई को कितना भी ऊपर करो वो एक दिन नीचे चली जाती है, और अच्छाई कितना भी नीचे हो एक दिन ऊपर चली जाती है। तो भारतीय संस्कृति में जो अच्छी चीज़ें हैं वो अपने आप स्वतः ही एक ना एक दिन ऊपर आ जाएंगी, उसके लिए किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसको सोशल मीडिया पे इटली में भी शेयर किया जा रहा है, और भारत में तो आप लोगों को पता ही है इसको दबा के शेयर किया जा रहा है जो वो नमस्ते। इंडिया और इटली बायलैटरल ताल्लुकात भी जारी बात है डिस्कस होने हैं। सुनने में ये भी आया, पता ये भी चला है कि एमैनुअल मैक्रोन और ऋषि सोनक जो हैं वो मोदी साहब से मिल चुके हैं और दोनों ने मुबारकबादें दी हैं बड़ी टकाक, और ऋषि सोनक खुद इलेक्शन अभी उसने कॉल कर दिए और वो इंतज़ार कर रहा है कि काश मैं भी जीत जाऊं, पर वो नरेंद्र मोदी जैसे पॉपुलर नहीं है, और वो जो नरेंद्र मोदी साहब की गेम है इटली के अंदर, इंडिया के अंदर सॉरी, कई इंडियंस तो समझते हैं इटली के अंदर भी अब हो गई है हमारी, कहीं उसको बड़े तरीके से पता नहीं क्या प्रोनाउंस कर रहे थे, मोदी मेलोनी को चीज़ कह रहे थे, बहुत सारे मैंने ट्वीट्स और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। बहरहाल ऋषि सोनक मिले हैं और एमैनुअल मैक्रोन मिले हैं। मैक्रोन की क्योंकि वहाँ पे यू पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए हैं, उनकी पोजीशन कंप्रोमाइज हुई है। ऋषि सोनक भी इलेक्शंस की तरफ है, वो भी उनकी पोजीशन भी इस वक्त है। अब पता नहीं अगले G7 में ये दोनों आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। ठीक है जी, दोनों आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी आ गया, हो सकता है बाइडेन इनमें से चला जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग वैसे सारा सिनेरियो है, चीज़ें जो है ना वो हैं। लेकिन इंडिया के लिए ये जो फैक्टर्स हैं कि एनर्जी की बात करो, मेडिटेरेनियन की बात करो, देन
क्या उसे बोलते हैं, अफ्रीका की बात करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो, ठीक है, और देन सबसे बढ़ के इस वक्त जो बात हो रही है वो माइग्रेशन पे हो रही है। इंडिया के लिए माइग्रेशन इज नॉट एन इशू, इंडिया के लिए मसले और हैं, ठीक है ना जी। माइग्रेशन वेस्टर्न ममालिक, क्योंकि इंडिया के तो लोग खुद माइग्रेशन के चक्कर में हैं, वो तो खुद चाहते हैं कि हम इंग्लैंड पहुंचें, अमेरिका पहुंचें, कनाडा पहुंचें, ऐसी बहुत सारी मिसालें जो है हमें माजी में मिली हैं कि वो खुद माइग्रेशन, कुछ लीगल माइग्रेशन होती है, कुछ इलीगल माइग्रेशन होती है। इंडिया को जो एडवांटेज है कि उनकी लीगल माइग्रेशन का साइज बहुत बड़ा है, और ये सारे ममालिक आप देखें ना, एक तरफ जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं इलीगल माइग्रेंट्स भी हैं, तो वो समझ ले गुजारा। और दूसरा ये कि इंडियन इलीगल माइग्रेंट्स का भी एक एडवांटेज है, वो अपना काम करते हैं, हमारे तरह नहीं है। हमारे लड़के जाते हैं वो मौलवी होते हैं, उसे जाके फैर मार देने, छुरे मार देने, चाकू मार देने, किसी को मुसलमान करना चाहते हैं, किसी को कुछ करना चाहते हैं, किसी को कहते हैं तुम ऐसे हो, तुमने मुझे ये क्यों किया, वो फिर उनको पकड़ के, अगर आपको सब मुसलमान नजर आएंगे बिहाइंड एनी अनरेस्ट इन द यूरोपियंस वर्ल्ड और अमेरिका कनाडा में, कुछ भी अनरेस्ट बड़ी हो पीछे मुसलमान होंगे, भले वो फ्रांस है, अफ्रीकन होंगे, पाकिस्तानी होंगे, इनको ज्यादा शौक है कि वहां पे अपनी वो चीजें करने का। सो माइग्रेशन जो है ना वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भारत जो है वो इसका हिस्सा नहीं है, इसके बावजूद भारत को बुलाया जाता है, तो ये बात कहीं ना कहीं हमें ये जरूर बताती है कि भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी, खास तौर पे इकोनॉमी जो है वो ऐसी जगह पर है जहां पर भारत को जो है एक इम्पोर्टेंट कंट्री का स्टेटस मिल चुका है, चाहे वो किसी फोरम का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन उनको इनविटेशन आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस तरह के कोई इनविटेशंस नहीं आते, सिवाय उसके के जी ओआईसी की मीटिंग हो रही है, यानी कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो कुछ कर रहे हो तो एक इस्लामिक कंट्री होने के हवाले से जो है वो फिर भी पाकिस्तान को बुलाना पड़ जाता है या बुला लिया जाता है। मगर ये जरूर है के बजाय किसी की बुराई करने के बजाय इसके कि हम दूसरे को देखकर परेशान हो जाएं कि ये अच्छा काम कैसे कर रहा है, उससे बेहतर है कि उनसे काम को सीखा जाए और हम भी आगे बढ़ सकें, हमारी इकोनॉमी भी बेहतर हो सके और हमारे यहाँ से भी जो है लोगों को इनविटेशन मिले कि हाँ जी आप आइए, बेशक आप इस फोरम का हिस्सा नहीं है लेकिन आप आइए, आपके हमें आइडियाज चाहिए, आपसे हमें बात करनी है, तो शायद कभी हम देखें कि पाकिस्तान की लीडरशिप को भी इस तरह से ही इन्विटेशन आए जिस तरह से भारत के प्राइम मिनिस्टर को आते हैं। भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं उनके पहले भी इटली में सब लोग जानते हैं कि काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं, और इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके साथ भी अक्सर ही उनकी पिक्चर्स वगैरह जो हैं या फोटोज जो हैं वो हम सोशल मीडिया पर देखा करते हैं। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले हम ये जरूर कहेंगे कि तमाम लोग जो इसमें शरीक हैं, यानी कि जो कंट्रीज खास तौर पे G7 का हिस्सा है, उन्होंने एक और अनाउंसमेंट की है और वो ये कि जी तकरीबन $50 बिलियन जो है, $50 बिलियन का लोन, जी हाँ $50 बिलियन का लोन जो है वो यूक्रेन को दिया जाएगा, जो कि इस वक्त रशिया के साथ जंग की हालत में है। जी हाँ, यूक्रेन की मदद करने के लिए इन तमाम कंट्रीज ने मिलकर $50 बिलियन का बंदोबस्त किया है, जो कि लोन की शक्ल में यूक्रेन को दिया जाएगा। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हम एक एक दो दो तीन तीन चार चार बिलियन के लिए ख्वार हो रहे होते हैं, और ये कंट्रीज मिलकर जो है वो यूक्रेन को $50 बिलियन का लोन दे रही है। लेकिन साथ साथ ये भी होना चाहिए कि इस वॉर को रुक जाना चाहिए, ना सिर्फ ये बल्कि जो फलस्तीन और उसके साथ साथ आपने देखा इसराइल के दरमियान चल रही है उस वॉर को भी कहीं ना कहीं अब रुक जाना चाहिए, इसलिए कि बहुत जानों का नुकसान हुआ है, बहुत लोगों का नुकसान हुआ है और बहुत पैसे का भी नुकसान हुआ है, लेकिन अब इन चीजों को रुक जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल $50 बिलियन एक काफी बड़ी रकम है और जो कि यूक्रेन को दी जाएगी तमाम के तमाम जो G7 कंट्रीज के मेंबर्स हैं उनकी तरफ से।